नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो दलिया होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। उसमें क्यों मोटा दाना होता है तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन दलिया क्या, दलिया कुछ लोग, बच्चे लोग खाना पसंद नहीं करते, कभी हम लोग भी नहीं पसंद करते। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दलिया से एक ऐसी, मतलब स्पेशल तरीके से आपको मैं दलिया बनाना बताऊं। है बहुत सिंपल, लेकिन अगर आप बनाओगे वैसे उस टाइप से तो आपको दलिया, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और बड़े तो हम लोग खाते ही खाते हैं तो बड़े भी, लेकिन बहुत ही टेस्ट उसका डबल हो जाएगा मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप दलिया बनाओगे तो। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है हमारा दलिया। हाँ, तो दोस्तों दलिया बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया है, इसको अच्छा गर्म होने देंगे। डालेंगे हम इसमें जीरा, जीरा हमारा हो गया है, सिक गया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, अच्छा से गर्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे, हम गैस कम कर लेंगे थोड़ी सी, इसमें डालेंगे हम हमारे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते डालने के बाद थोड़ा सा हम लहसुन डाल देंगे इसमें। लहसुन को थोड़ा अच्छा सिकने देंगे, फ्राई होने देंगे। देखिए लहसुन हमारा, लहसुन ने हमारे कलर चेंज कर दिया है। अब आप जितनी खाते हो, 3 से 4 हरी मिर्च डाली है मैंने इसमें, और आप अपने टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल दी मैंने और ये एक डाल दिया मैंने इसमें प्याज। फिर से मैं इसको चला लूंगी। तो ये प्याज हमारे हल्के से कलर चेंज कर दिया, ज्यादा कलर चेंज नहीं करना हमारे प्याज का, हल्का सा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी एक कटा हुआ टमाटर। एक बार फिर से मैं इसको चला दूंगी। तो अब हमारे प्याज वगैरह और ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए ऐसे। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से मसाले। मसालों में मैं क्या डालूंगी, नमक टेस्ट के हिसाब से। और ये मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी, और इसमें हम लाल मिर्च थोड़ी कम डालेंगे, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है। और थोड़ा सा एक बार फिर से चला लूंगी और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा मैं धनिया, धनिया पाउडर जो है हमारा, एक बार फिर से इसको चला लूंगी। और अगर आपके पास मैगी मसाला पाउच है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें थोड़ा सा आधी चम्मच के समथिंग मैं मैगी मसाला पाउडर इसमें डाल दूँ बस। और इसके अलावा मैगी मसाला डालने के अलावा हमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है इसमें। एक बार मैंने फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। दोस्तों ये हमारा दलिया है जो कि हमने कुकर में एक सीटी आने तक इसमें नमक डाल के बॉईल कर लिया था, इसको हल्का सा सेक के। अब मैं ये दलिया उस मसाले में मिक्स कर दूंगी। एक बार फिर से इसको अच्छे से मैश कर दूंगी। हाँ, तो दोस्तों मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और देख सकते हैं आप, दिखने में भी कितना यमी यमी लग रहा है। तो अब हम हमारी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, बस इसको सर्व करेंगे हम हमारी प्लेट में खाने के लिए।
हाँ तो देखा दोस्त, आपने कितना आसान है हमारे हेल्दी दलिया को हेल्दी और टेस्टी दलिया में चेंज करने का ये तरीका, तो आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा इसको। बड़े तो खाएंगे खाएंगे, लेकिन बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे। तब तक के लिए बाय।